स्वागत है आपका अपने रोहनस कार ब्लॉग में। आज हमारे सामने टाटा टियागो XT अपग्रेडेड वर्जन, जिसका करने वाले हैं हम एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। तो सबसे पहले इसके विंड सील की बात करें तो विंड सील पे मिल जाते हैं हमको दो वाइपर विद वॉशर। इसी के साथ आपको इस गाड़ी की जो विड्थ मिल जाती है वो मिल जाती है हमको 1670 mm की। इसी के साथ जो आपको ग्रिल देखने को मिलती है वो हमको मिल जाती है पियानो ब्लैकनेस में। इसी में आपको मिल जाता है टाटा का लोगो। इसी के नीचे आप जो क्रोम गार्निशिंग देख रहे हैं जो कि एक हेडलाइट से होती है दूसरे हेडलाइट में जाके मर्ज हो जाती है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव सा लुक देती है। इसी के साथ चलते हैं हम इसके हेडलाइट यूनिट की तरफ। तो हेडलाइट यूनिट इसमें आपको फुल्ली हैलोजन सेटअप में दी जाती है। ये मिल जाता है हमको साइड टर्न इंडिकेटर। इसी के नीचे मिल जाती है हमको फॉग लैम्प की हाउजिंग। ये कुछ मिल जाती है हमको पियानो ब्लैक फिनिश। इसी के साथ इसका बम्पर जो दिया जाता है स्पोर्टी करेक्टर के साथ दिया जाता है। ये कुछ लगती है हमारी फ्रंट प्रोफाइल लुक। इसी के साथ चलते हैं हम इसके साइड प्रोफाइल लुक में। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से मिल जाती है। इसकी डायमेंशन मिल जाती है 3665 mm की। इसी के साथ इसको व्हील बीच दिया जाता है आपको 2400 mm का। ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है हमको 170 mm का। ये कुछ लगती है हमको साइड प्रोफाइल लुक। इसमें आप जो ORBM देख रहे हैं ये ORBM हमको मिल जाते हैं पियानो ब्लैक में। इसमें इसी में मिल जाता है आपको साइड टर्न इंडिकेटर। बॉडी हैंडल मिल जाते हैं बॉडी कलर में। इसमें आपको बी पिलर मिल जाता है ब्लैक मैट फिनिश में। इसी में आपको मिल जाते हैं ये कन्वेंशनल रिम। टायर साइज दिया जाता है आपको 175/65R14। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये व्हील कवर आते हैं, ये कोई अलॉय व्हील नहीं है। फ्रंट में मिल जाते हैं हमको डिस्क ब्रेक और रियर में मिल जाते हैं हमको ड्रम ब्रेक। ये कुछ मिल जाते हैं हमको बैक प्रोफाइल लुक। ये मिल जाते हैं पैन ब्लैक फिनिश में हमको मिनी स्पॉयलर। ये कुछ लगती है हमको बैक प्रोफाइल लुक। अब हम इसकी साइड प्रोफाइल उस साइड की लुक आपको दिखाना चाहेंगे। तो इस साइड से देखने में आपको इस तरह से लगती है इसकी लुक। ये इस साइड आपको मिल जाता है फिल्टर कैप जो भी आता है 35 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ। अब इस गाड़ी अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो अंदर जाने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे इस गाड़ी की की। तो की आपको इसमें फ्लिप की देखने को मिल जाती है, जिसमें मिल जाता है हमको लॉक फॉलो मी हेडलैम्प और अनलॉक का बटन। अब करते हैं इस गाड़ी को अनलॉक। तो चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। ये कुछ मिल जाती है हमको डोर। ये कुछ मिल जाती है आपको डोर विद ट्रिम जो कुछ दी जाती है आपको डुअल टोन के साथ ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ। ये मिल जाते हैं हमको ORBM एडजस्टेबल जो कि आपको इलेक्ट्रिकली मिल जाते हैं, फोल्डेबल मैनुअली होते हैं। ये मिल जाती हैं आपको चारों ही विंडो। ये मिल जाता है चाइल्ड विंडो लॉक, डोर हैंडल, लॉक अनलॉक के लिए बटन। ये मिल जाती है आपको हब लीटर की स्पेसिंग, मैप पॉकेट, स्पीकर। इसमें आपको 4 स्पीकर का सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि हरमन पावर्ड आपको दिया जाता है। इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल का भी ऑप्शन दिया जाता है। ये 6 पे हाइट एडजस्टेबल सीट है। इसी में आपको दिख जाते हैं दोनों ही एडजस्टेबल हेड रेस्ट। ये कुछ लगती है हमारी डैशबोर्ड की लुक। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो ये कुछ मिल जाती है आपको डैशबोर्ड की फिनिश। तो लगाते हैं इस गाड़ी के अंदर की, देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये कुछ होता है हमारा फिनिश। इस साइड मिल जाती है आपको RPM मीटर, इधर मिल जाता है आपको टेम्परेचर मीटर, ये दिया जाता है फील गेज मीटर। इसी में आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती हैं, जिसी में आपको दिखा देता है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। इस साइड के स्टॉक से आपको टाइम सेटिंग मिल जाएगी। इस साइड के ओपन से आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, एवरेज भी आपको ये शो कर देता है। इसी के साथ कई सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। ये मिल जाती है कुछ हमें स्टेयरिंग व्हील की लुक जो कि एक पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दी जाती है। ये कुछ मिल जाते हैं हमको मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल। ये मिल जाता है हमको टाटा का लोगो, इसमें हॉर्न आपको सिंगल टोन के साथ दी जाती है। ये कुछ मिल जाते हैं हमको AC वेंट पियानो ब्लैक फिनिश के साथ क्रोम टिप के साथ में दिए जाती है। ये कुछ मिल जाती है हमको स्टोरेज, इसमें राइट साइड में मिल जाते हैं आपको हेडलाइट एक्सेलरेट कंट्रोल। ये मिल जाता है हेडलाइट का लेवलर बटन। ये मिल जाता है हमको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल। विंडो में मिल जाता है आपको हारमन का डुअल डिन का नॉर्मल सिस्टम जो कि टच बार के साथ आपको दिया जाता है। ये मिल जाता है आपको हेडलाइट का स्विच ऑन ऑफ बटन। मिड में मिल जाते हैं मैनुअली AC कंट्रोल। इसमें नीचे मिल जाता है आपको USB पोर्ट, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट सॉकेट, कुछ स्पेस। ये मिल जाता है 5 स्पीड का मैनुअली आपको गियर। इसी के सराउंडिंग आपको मिल जाती है
पियानो ब्लैक फिनिश, कप होल्डर, पोटल होल्डर, ये मिल जाती है आपको हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ। इसी के साथ आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ। ये दिया जाता है टैबलेट होल्डर इसमें अलग से, ये कुछ लगती है। इसी में आपको मिल जाता है वहाँ पे एयरबैग पैसेंजर साइड, इसी में मिल जाता है आपको स्टेयरिंग पे भी एयरबैग। इसी के साथ आपको ये कुछ मिल जाता है IRBM डे नाइट एडजस्टेबल मैनुअल्स के साथ मिल जाता है। ये मिल जाता है हमको माइक, जाता है सन वाइजर जिसमें मिल जाता है आपको टिकट होल्डर, इसमें आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। ये कुछ इसमें अपग्रेड हुआ है। ये मिल जाते हैं हमको ग्रैब हैंडल, ये मिल जाती है हमको रूफ में लाइट जो कि आपको LED देखने को मिल जाती है। ये मिल जाता है विंडशील्ड पे हमको टिकट होल्डर, ये कुछ लगती है हमारी डैशबोर्ड की लोक। यहाँ पे अपना टेम्पल भी आप रख सकते हैं। इसका जो डैशबोर्ड है वो डुअल टोन के साथ आता है, ब्लैक एंड ग्रे के साथ। ये मिल जाता है आपको डैशबोर्ड का कुछ टेक्सचर। इसी के साथ चलते हैं हम इसकी बैक सीटिंग प्रोफाइल की साइड। बैक डोर ओपन, इस प्रकार से आपको बैक डोर की ओपनिंग मिल जाती है। आगे की साइड है आपको पीछे का डोर भी डुअल टोन ट्रिम के साथ दिया जाता है। ये मिल जाता है डोर हैंडल, लॉक अनलॉक के लिए बटन, पावर विंडो के लिए बटन। ये मिल जाता है हमको स्पीकर एक लीटर बोतल होल्डर के साथ। ये कुछ मिल जाती है आपको सीट फिक्स हेडरेस्ट के साथ। इसी में आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। अंदर थाई सपोर्ट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मिल जाता है हमको मिड पे बड़ा सा हम जो कि थर्ड पर्सन को बैठने में दिक्कत दे सकता है। इसकी अगर अंदर थाई सपोर्ट की बात करें काफ़ी डिसेंट है। लेग रूम भी आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। ये कुछ लगती है हाँ पीछे सीट की, ये कुछ लगती है हमको फ्रंट प्रोफाइल लुक, इसकी डैशबोर्ड की लुक। इसी के साथ आपको बूट में स्पेस मिल जाता है 242 लीटर का। इसी में जो आपको स्टेपनी देखने को मिलती है वो मिल जाती है हमारी एक इंच छोटी दी जाती है 155/80/R13। इसी के साथ आपको इसका इंजन जो देखने के लिए मिल जाता है वो मिल जाता है हमको 1.2 लीटर का रेवट्रॉन सीरीज का, जिसका आपको मिल जाता है 1200 cc का पेट्रोल इंजन जो कि दे देता है हमको 84 BHP की पावर 6000 RPM पर और 113 Nm का टॉर्क जो कि दे देता है हमको 3300 RPM पर। जो इसका ARAI क्लेम माइलेज है वो मिल जाता है 20.09 किलोमीटर का। इसी के साथ आपको मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक डू कमेंट सब्सक्राइब। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करें।